कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में खरीफ फसलों पर राज्य स्तरीय कृषि अधिकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर सरवाल ने कार्यशाला में नव प्रकाशित रबी, खरीफ और सब्जी फसलों की संसाधनों पुस्तिका का विमोचन भी किया। राज्य भर से आए लगभग 150 कृषि अधिकारियों व विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर रविंदर सिंह राणा व डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने अपने विचार रखे और प्रगतिशील किसानों ने भी चर्चा में भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरगाल ने कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों से कहा कि वे उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने के साथ साथ किसानों को नवीनतम तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करें। कुलपति ने कहा कि मात्र 40% कृषि तकनीकें ही किसानों के खेतों तक पहुंच पाती हैं, अतः किसानों को ऐसी नवीनतम खोजों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे फसल का उत्पाद बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कुछ दलहीन व तिलहीन फसलों की पैदावार राष्ट्रीय औसतन पैदावार से ज्यादा है, अतः फसल उत्पादन योजना में इन फसलों की और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जैविक तरीके से उगाई गई फसलें भी लगभग रसायनों के साथ उगाई फसलों के बराबर उत्पादन दे रही हैं और बाजार से अच्छे भाव इनके प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों व पशुपालकों के स्थानीय समस्याओं के हल के लिए चल रहे शोध कार्य हेतु प्रदेश सरकार की तरफ से और अधिक धन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर चौथी बार प्रदेश को कृषिकरण में इनाम मिलने पर कुलपति ने किसानों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। मंच पर विराजमान कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशक डॉक्टर देसाई शर्मा जी मेरे विषय से संबंधित किन्हीं समस्याओं पे उलझते हैं तो वैज्ञानिकों की राय लेने के लिए और वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई तकनीकियां जो विकसित की जा रही हैं, उनका ज्ञान वर्धन करने के लिए ऐसे माहौल में मौके पर इकट्ठे होते हैं। पर मुझे आश्चर्य है कि जब आप काम करते हैं और आपको उस काम की ख्याति भी मिलती है पर उसका विख्यान नहीं करते। हालांकि डॉक्टर अतुल ने ये व्याख्यान किया है, इसी वर्ष हमारे कृषि विज्ञान के अंदर मंडी को भारत सरकार का जो सर्वोत्तम पुरस्कार है 70 कृषि विज्ञान केंद्रों में प्राप्त हुआ है। ये कृषि अधिकारियों और किसानों के बीच कार्य करके ही संभव हुआ है किसान विज्ञान का। इसी तरह भारत सरकार से चौथी बार कृषि कर्म पुरस्कार जो हमारे कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की कठिन परिश्रम से किसानों द्वारा खेतों में काम करके ये खाद्यान्न के उत्पादन में जो हमें मिला है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसी उपलब्धियों का पहचान हर ऐसे प्लेटफॉर्म में होना चाहिए जिससे समाज को पता लगे कि ये हमारी अचीवमेंट्स हैं और इन अचीवमेंट्स की जो अचीवमेंट्स हैं ये केवल एक वर्ष या दो वर्ष की नहीं है। ये तो इसके लिए किसान जो कड़ी मेहनत करते हैं, आप कृषि विभाग के अधिकारी जो किसानों के साथ मिलके कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की जो विकसित तकनीकें हैं उनको वहां तक पहुंचाने में सफल रहे हैं और ये सफलता अभी और आगे बढ़ने के लिए है। जो अखिल भारतीय स्तर के हम ये बताते हैं 40% जो तकनीक है वही अभी तक किसानों तक पहुंच पाई है। और इन कार्यशाला में विशेष क्या जो समय समय पर जो आने वाली चुनौतियां हैं, डॉक्टर देसराज जी बहुत ही अच्छा कह रहे थे कि हमें केवल भाषण प्रतियोगिता न करके एक व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल तौर पर उसको हमें कार्यान्वित करना है। उस कार्यान्वित करने के लिए जो समस्याएं समय समय पर आती है उन समस्याओं का समाधान के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। उस लंबे समय के लिए जो हमारी योजनाएं परियोजना है वो आपके सुझाव से अभी अंतिम जो प्रेजेंटेशन हमारे डायरेक्टर रिसर्च कर रहे थे अखिल भारतीय स्तर से निर्धारित होते हैं और जो हमें स्थानीय लोक स्पेसिफिक एरिया की जो समस्याएं हैं
वो हमने अपने ही भीतर अपने राज्य से अपने कृषि विभाग के साथ मिलके उसको हल करना होता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से भी बात की है कि इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है, जो हमारी इस देश प्रदेश की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो पशुपालन विभाग है, चाहे वो फिशरीज है। दो हफ्ते पहले पशुपालन विभाग के मंत्री भी हमारे विश्वविद्यालय में आए थे, हमने उनसे भी अनुरोध किया था फिशरी से संबंधित जो हमारी जो सरकार से सहायता उसके लिए 3 लाख की है और पशुपालन से संबंधित जो है वो 22 लाख की है। इससे जो हमारी प्रदेश की जो लोकल जो नीड्स हैं और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम कहाँ तक हल कर सकते हैं, ये एक विचारणीय विषय है और इसमें वित्तीय सहायता की वैज्ञानिकों की बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिकों का हम भरपूर उपयोग कर पाए और उनसे इस विषय में हम अनुसंधान शोध के माध्यम से इस समस्या का समाधान करके हम आपके द्वारा किसानों तक पहुंचा पाए। जैसे कि हमारे डायरेक्टर रिसर्च सारे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर देशराज शर्मा ने कहा कि आने वाले खरीफ सीजन के मद्देनजर किसानों के लिए समुचित मात्रा में बीजों, उर्वरकों और औजारों के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर कृषि कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए नई स्कीमों की जानकारी भी दी जो कि किसानों के हित में संशोधित की गई है। जिसमें कि धान जो है 17,000 हेक्टेयर में और मक्की जो है 2,93,000 हेक्टेयर में मक्की जो है बिजाई जो है करता फिर हमने प्राप्त किए गए हैं और उसके साथ ही 16,500 हेक्टेयर में दालों का लगन जो है लगने का जो हमने लक्ष्य जो है रखा गया है जो कि आमतौर पर होती है उतना ही लक्ष्य रखा हुआ है। उसी के साथ हमने रखा हुआ है जैसे कि 8,96,000 मेट्रिक टन जो है जो है कि खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है जिसमें से 1,35,000 जो है धान का और 7,43,000 मेट्रिक टन जो है मक्की का जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और 16,500 मेट्रिक टन जो है दालों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। और इस बार हम सोच रहे हैं कि हमारा आलू जो है 12,000 हेक्टेयर में हमारे आलू के हमारे हैं और 153,000 मेट्रिक टन जो है आलू के प्रोडक्शन का मतलब रखा गया है। और इसी तरह इसी को वेजिटेबल लीजिए मैं खरीफ की सीजन में 46,000 हेक्टेयर में हमारे जो वेजिटेबल में का अनुमान है। जो भी स्कीमें चलाई गई हैं तो इस बार अब मैं इस बार जो प्रदेश का जो बजट था उसमें काफी स्कीमों को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि एक स्कीम हमारी दी गई है जो प्राणी जीव वाइस प्रमाण जो तो वैसी स्कीम थोड़ी उसकी स्कीम उसमें केवल उपाय किया गया है एक्स्ट्रा और स्कीम वैसी रहेगी। एक थोड़ी ग्रीन हाउस नवीकरण योजना है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है सब्सिडी इंक्रीज करके। उसी के साथ एक जैसे कि यहां चर्चा हो रही थी जीरो बेट नेचुरल फार्मिंग पर उस पर भी प्रदेश सरकार द्वारा एक नई स्कीम प्राकृतिक खेती कुशाग किसान इस नाम की योजना जो है प्रदेश में जो है लॉन्च की गई है और जिसमें सरकार द्वारा 25 करोड़ का जो बजट रखा गया है। और अभी इसमें कल की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें शायद इसका जो ड्राफ्ट जो है जो पेपर में पढ़ रहे हैं कि वो ड्राफ्ट जो है अप्रूव हो गया। तो और दूसरा एक जो हमारी केस सैंक्शन योजना थी उसको भी मॉडिफाई करके जो प्रूफ में यदि कोई कटवाना चाहेगा तो सब्सिडी जो है 80 से 85% जो है कर दी गई। और उसके बाद एक उत्तम चारा योजना नाम की जो स्कीम हमारे प्रदेश में हम पिछले 3 साल से चला रहे थे उसमें पाउडर सीड पर सब्सिडी दी जा रही थी और चार पर सब्सिडी दी जा रही थी। इस बार उसमें अजोला कल्टिवेशन जो है उसको इसमें शामिल कर दिया गया है और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम से कम 36 या 40 लाख जितना भी खर्च सकें इसको हम लगभग 1200 फीट जो है प्रदेश में बनाने की कोशिश करेंगे कि
लोग जो है अजोला कल्टिवेशन के लिए थोड़ा प्रेरित हों और भी पेंसिल से भी बस को अजोला का प्रावधान किया जाएगा।